हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मार्केट की कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम नहीं सूट करती है, उसको लगाने के बाद में उन्हें किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है और इसीलिए वो कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो आज मैं आपको खुद से ही ऐसी नेचुरल एक जेल बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आपकी स्किन के लिए, अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो। लेकिन करना तो रेगुलर ही होगा अगर आप अपनी स्किन को अच्छा और हेल्दी रखना चाहते हैं तो। तो फिर चलिए हम देख लेते हैं हमें इस जेल को बनाना कैसे है। दोस्तों, इस जेल को बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें नेचुरल एलोवेरा लेनी है। प्लांट की ही एलोवेरा का इस्तेमाल हम इस जेल को बनाने के लिए करेंगे, मार्केट का नहीं करना है, क्योंकि मार्केट के जो एलोवेरा जेल होगा उसमें ऑलरेडी केमिकल होंगे ही और हो सकता है वो आपकी स्किन पर रिएक्शन कर जाए या फिर ना सूट करें। तो फिर हमें नेचुरल एलोवेरा जेल ही लेना है। नेचुरल एलोवेरा जेल में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन और हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसके अलावा दूसरा इंग्रीडियंट्स हमें यहाँ पर लेना है नींबू। नींबू में साइट्रिक एसिड और विटामिन सी और विटामिन बी सिक्स होता है, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें यूज़ करना है विटामिन ई की टैबलेट्स का। वैसे हम एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं उसमें विटामिन ई होता है, लेकिन अगर आप विटामिन ई की टैबलेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं, मगर अलग से विटामिन ई की कैप्सूल भी इसमें यूज़ करें तो और भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा, क्योंकि विटामिन ई की कैप्सूल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और उसमें प्योर विटामिन ई होता है, जो कि अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह के रैसेस हैं, डार्क स्पॉट हैं, तो उन्हें धीरे धीरे उन्हें ठीक करेगा। तो फिर इन तीनों इंग्रीडियंट्स से हम अपनी फेस क्रीम बना सकते हैं। आपको एलोवेरा प्लांट की एक पत्ती लेकर के उसका एलोवेरा जेल निकाल लेना है और उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद में आपको उसमें 6 से 7 ड्रॉप ही आपको नींबू की डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालिए, क्योंकि नींबू भी कभी कभी साइड इफेक्ट कर जाता है। और नींबू का यूज़ इस फेस जेल में उन्हीं को करना है जिनको विटामिन सी से या फिर नींबू से एलर्जी नहीं है। किसी किसी को नींबू से एलर्जी होती है तो वो नींबू को स्किप कर सकते हैं। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल देना है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपका जेल बन करके तैयार हो जाएगा। इसको आप अपनी पूरी बॉडी पर और फेस पर यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने हेयर्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका वही है, फेस वॉश करने के बाद में आप एक बार सुबह यूज़ कर सकते हैं और नाइट में यूज़ कर सकते हैं। इस जेल का रेगुलर यूज़ करने से आप कुछ ही हफ्तों में देखेंगे आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, यानी कि बेबी सॉफ्ट हो जाएगी, और उस पर जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे वो भी ठीक होने लग जाएगी, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। एलोवेरा तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी बॉडी के लिए, स्किन के लिए और हेयर्स के लिए, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपकी स्किन के लिए। इसे आप अपने बालों पर, अपनी बॉडी पर और अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी आपकी स्किन पर। तो इसको यूज़ करने के बाद में जितना भी जेल बचता है उसको आप फ्रीज़र में रख के स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करते हैं तो फिर आप इसको 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो 15 दिन ही आपका इजीली चल जाएगा, खराब नहीं होगा। तो फिर दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें।